नमस्कार विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं अरबिंदो घोष के विचारों के ऊपर। और यदि आपको भारतीय इतिहास में थोड़ी सी रुचि है या फिर आप यूपीएससी जैसी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इनकी जीवनी के ऊपर और आज हम शुरुआत करते हैं इनके जो मुख्य विचार थे उनके ऊपर। तो सबसे पहले इनके कांग्रेस को लेकर क्या विचार थे उसके ऊपर जानेंगे, क्योंकि जब ये भारत में आते हैं 1893 में इंग्लैंड से लौट के आते हैं, जिसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, तो उस समय कांग्रेस की जो स्थिति थी उस समय कांग्रेस क्योंकि बहुत ज्यादा उदारवादी नेताओं के वर्चस्व में थी और उनकी जो नीति थी वो केवल ये थी कि किसी तरह से अंग्रेजों को ज्ञापन सौंपे जाए और उनको किसी भी तरह से राजी किया जाए, तो इस नीति के ये बहुत ज्यादा खिलाफ थे। इनको ये कार्य प्रणाली जो है कांग्रेस की पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर केवल अंग्रेजों के न्यायप्रियता में विश्वास करके अपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की समर्थक है। और उन्होंने अपने आलोचनात्मक विचार इंदु प्रकाश पत्रिका में प्रकाशित किए थे, जिसके ऊपर हमने आप पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी। और कांग्रेस के नेताओं पर उन्होंने कहा कि जिन नेताओं पर यह संस्था विश्वास करती है वे नेता बनने लायक नहीं है। अब अरबिंदो घोष के कुछ विचार कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, यानी कि जो पूंजीवाद है, जो साम्यवाद है और जो समाजवाद है, उसके ऊपर उनके क्या विचार थे वो देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है अरबिंदो घोष जो थे वो आधुनिक पूंजीवाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने खुले तौर पर ब्रिटेन के किए गए साम्राज्यवादी शोषण की निंदा भी की है और उनका विचार था कि ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय श्रमिकों का शोषण करते हैं, इसलिए उनकी स्थिति खराब है। इसलिए उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद के केंद्रीकरण की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना था कि जब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना करके साम्यवाद का पक्ष नहीं लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पॉइंट है कि उन्होंने जरूर पूंजीवादी की आलोचना की है मगर उन्होंने कहीं से भी साम्यवाद का पक्ष नहीं लिया। वे कहते हैं कि साम्यवाद वर्ग जो है वो वर्ग संघर्ष और अराजकता को जन्म देता है। अरबिंदो का उद्देश्य समानता और स्वतंत्रता के आदर्श को प्राप्त करना था। वो समाजवाद के समर्थक थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाजवाद का समर्थन किया है और उनका मानना था कि यूरोप में जो समाजवाद है और पूंजीवाद है ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि समाजवादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही है लेकिन इस विचारधारा को पश्चिम की ओर मुड़ने में काफी समय लग सकता है, और साथ ही साथ पूंजीवादी उद्योगवाद पर आधारित जो वर्तमान यूरोपीय सभ्यता है वो अपने विकराल चरम पर पहुंच गई है और ये बहुत ही जल्दी ढह जाएगी, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो उनके अनुसार सबका भविष्य समाजवादी समाज में ही सुरक्षित है और अरबिंदो के ये विचार उनके समाजवादी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। अगर आपसे मेंस में आंसर राइटिंग में पूछ लिया जाए तो आप इस चीज को कोट कर सकते हैं कि वो किस तरह से समाजवाद को अपनाना चाहते थे, साम्यवाद के भी खिलाफ थे और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ थे, तो दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया था। और उनका मानना था कि समाजवाद में ही केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पोषण होता है, यानी कि जो आपके डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो ओनली सोशलिज्म में ही फल फूल सकते हैं और व्यक्ति को विकास के लिए पर्याप्त अवसर भी हमको केवल सोशलिज्म में मिलते हैं, समाजवाद में मिलते हैं। अब उनके कुछ विचार हम देखते हैं राज्य के ऊपर क्या विचार है। तो अरबिंदो घोष जो थे वो राज्य को पूर्ण संस्था नहीं मानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्ण संस्था नहीं माना उन्होंने राज्य को, कंप्लीट इंस्टीट्यूशन नहीं माना है। हालांकि उनका विचार था कि राज्य जिसे सदैव जनता के हितों का रक्षक माना जाता है वास्तव में ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा चंद शासकों के विचारों को सामूहिक हितों के नाम पर व्यक्तियों पर थोपा गया है। उन्हें लगता था कि व्यक्ति के हितों के लिए व्यक्ति को राज्य के अधीन करने में कोई नुकसान तो नहीं है, पर यह तभी संभव है जब राज्य का प्रशासन करने वाला व्यक्ति सर्वोत्तम चरित्र और राष्ट्र का सर्वोत्तम व्यक्ति हो। वे राज्य के कार्य को सीमित करना चाहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, राज्य को सीमित करना चाहते थे, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे अधिकारी वर्ग से है, जो अथॉरिटी है उससे इसका मतलब है। वे राज्य को अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि साधन मानते थे और अरबिंदो का मानना था कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए। तो ये उनके राज्य के ऊपर कुछ विचार थे। अब देखते हैं कि समाज सुधार, जैसे कि हमें पता है कि जिस समय अरबिंदो घोष आते हैं उस समय समाज सुधार अपने चरम पे होता है। बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में हमें पता है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, राणा डे हैं, बहुत सारे समाज सुधारक 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में देखते हैं हम, और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक जो थे वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। लेकिन जो अरबिंदो थे इनको सामाजिक सुधारों में अधिक चिंता, इनको इसकी चिंता नहीं थी कि सामाजिक सुधारों क्या होगा, क्योंकि उनका मानना था
कि जब भारतीयों को राजनीतिक शक्ति मिलेगी तो धीरे धीरे सामाजिक सुधार भी होंगे, और उनका यह भी मानना था कि राजनीतिक अधीनता में किसी भी प्रकार के सामाजिक सुधार की बात करना काल्पनिक और एकदम निराधार है। अरबिंदो का विचार था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र का जीवन, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास करना उनके हिसाब से अज्ञानता थी और उनके हिसाब से एकदम निरर्थक है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधारों पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। अब देख लेते हैं कि उनके हिंसा के ऊपर क्या विचार है। तो हिंसा के संबंध में कई विचारकों की राय जो है वो श्री अरबिंदो के विषय में अलग अलग है। कुछ इन्हें अहिंसावादी मानते हैं और कुछ इन्हें हिंसावादी के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, गहन अध्ययन किया जाए, तो सच ये है कि वे अहिंसा और हिंसा दोनों के समर्थक थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सशस्त्र क्रांति पर बल दिया, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से अनुशीलन समिति का जो गठन होता है और किस तरह से वो भवानी मंदिर में एक लेख लिखते हैं, ये तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो यदि आपने वो ना देखा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, और हो सके तो इस लेक्चर को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अपने जो राजनीतिक जीवन था उसमें सशस्त्र क्रांति पर बल दिया था, हिंसा की वकालत भी की थी, और राजनीति से संन्यास लेने के बाद जब वो पौंडेचेरी में रहने लगते हैं और आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर देश की रक्षा के लिए हिंसा की जरूरत है तो हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यदि राष्ट्रवाद का पोषण अहिंसक तरीकों से किया जा सकता है तो हिंसा का प्रयोग उन्होंने वर्जित माना है। तो इस तरह से वो हिंसा और अहिंसा दोनों के ही पुजारी बोले जा सकते हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में लिखा है कि हिंसा को उन्होंने महत्व दिया है, और हिंसा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के शत्रुओं को मारने की जो बात है वो भी एक धर्म का भाग है, तो इसको भी उन्होंने धर्म का भाग बताया है। और इससे स्पष्ट है कि वे मूलतः वैसे देखा जाए तो अहिंसावादी थे, परंतु हिंसा को आवश्यक मानते थे। वे हिंसा के विरोधी नहीं थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसे एकमात्र मानदंड के रूप में स्वीकार करने के लिए शायद वो उस समय तैयार नहीं थे, और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने हिंसा की अपेक्षा हिंसा को अधिक महत्व दिया है। ये उनका कुछ एक विचार है जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार अगर मैं पूरे लेक्चर को समराइज करूं, इसका संक्षिप्त भाग आपको सुनाऊं, तो इस प्रकार हमको उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य और साधनों से सहमत नहीं थे। वह ब्रिटिश सरकार के आलोचक थे और उन्हें अंग्रेजों की न्याय और सद्भावना की भावना पर कोई भरोसा नहीं था। वह स्वराज प्राप्त करना चाहते थे और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह शुरू में सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते थे और बाद में निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसे हम पैसिव रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, उसके वो समर्थक बन गए। नैतिक आधार पर उन्होंने हिंसा का कोई विरोध नहीं किया, नैतिक आधार पर वो हिंसा को एक जस्टिस मानते थे। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मित्रों। यदि ये पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों से इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का ये जो श्रृंखला है इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।